शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है, जिसका इंतजार दुनिया भर को है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से तस्वीरें आ रही है जहां लोग इंतजार लगाए बैठे हैं कि कब भारत इतिहास रच देगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। अगर तस्वीरों की मैं बात करूं तो जगह जगह से खूबसूरत तस्वीरें बह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर में, यहाँ पर हवन और यज्ञ जारी है। ये हवन सुबह से किया जा रहा है जिससे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके। पूजा पाठ का दौर जारी है, देश भर से अलग अलग तस्वीरें आ रही है, चाहे उज्जैन महाकाल की बात हो, गंगा आरती की बात हो, लखनऊ में नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, तस्वीरें हर जगह से हैं। एक ओर वैज्ञानिक है तो दूसरी ओर भगवान की पूजा पाठ करके भी चंद्रयान 3 के मिशन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त कालका मंदिर में हवन चल रहा है, हवन के जरिए कोशिश की जा रही है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सफल रहे, भगवान प्रसन्न हो सके और हमारा जो ये चंद्रयान 3 है ये सफलतापूर्वक शाम 6:04 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करे। हमारे साथ महंत जी भी मौजूद हैं जो सुबह से यज्ञ करें। महंत जी ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज का यज्ञ और क्या प्रार्थना की जा रही है इस यज्ञ से? एक आज का दिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है कि जिस समय 6:04 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, यहाँ इस चंडी यज्ञ में ये प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जो विक्रम लैंडर है वो निर्विघ्न किसी बाधा के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरे। इससे न कि भारत का जो मान सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का मान सम्मान केवल देश में बढ़ेगा केवल पर विश्व में जो है भारत का डंका बजेगा। हिंदू धर्म में वैसे ही चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर ही लैंड करने वाला है, तो क्या चंद्रमा की पूजा भी कर रहे हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे? देखिए चंडी यज्ञ के अंदर 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, उसके अलावा हमने चंद्रमा के सहस्रनाम से और शतनाम से विशेष आहुतियाँ प्रदान की हैं ताकि हम तो चंद्रमा को देवता मानते हैं, वो भी प्रसन्न होकर हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग करें और विक्रम लैंडर को अपनी सतह पर सफलतापूर्वक और बिना किसी विघ्न के जो है उतरने में सहयोगी बने। बिल्कुल, तो देखिए यही खूबसूरती है हमारे देश की कि एक ओर जहां वैज्ञानिक लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड करेगा, 6:04 का सबको इंतज़ार है, वहीं मंदिरों में पूजा पाठ का भी दौर जारी है जिससे सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे और भारत दुनिया के सामने विश्व गुरु जो बन चुका है उसका एक और उदाहरण पेश करे और इसी के साथ पहला वो देश बन जाए जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। वीजे संजीव शर्मा के साथ नीतू झा, सकदे।